हमारे सर भाई तो थी भाई अपनी तारीख में पहली बार शहीद शहीद शेख जब्बार के उदार में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब तशरीफ ला चुके हैं, तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। यूपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा आग्रह होगा ये तारीख सोने के बाजू में लिखी जाएगी। यही के गुजारे होंगे तो आज ये आपके सामने। और ऐसा करो अरबी जबान में जब आप कुरान शरीफ फखर से लिया जाता है शेख अब्दुल जब्बार को आज से पाकिस्तान को खुद आजाद करो, आजाद किया करो। आवाम को सर्वोच्च मानते हुए स्वास्थ्य की सुविधाएं काफी बेहतर हुई हैं पहले से, लेकिन और मेरे माता चूमा उन्होंने अर्ज किया कि आप हमारे पड़ोसी हैं, कल हमें आप हम आपका मुझे लगता है कि जब आदमी एक ऊंचाई पर पहुंचता है तो और भी सुविधाएं। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ऐसा नहीं हुआ, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गुठली बात का आपने क्या किया, उस्मान मोहल्ले का क्या किया है, या हर परिवार को हर नागरिक को 5 लाख रुपए और सड़क का काम नहीं किया। और जनाब बोल देगा आप सबसे भी अनुरोध कर जिसके पास नहीं अपना गोल्डन होगी जब विकास के कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति हाथों में हाथ दो। हमको कोशिश करके इन योजनाओं को जमीन पर उतारना है। जिंदगी करे हमारे कृषि साहब भी आप है, हमारे माध्यम से दोनों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने जो हमारे लिए भी एक बहुत ही कोशिश हो रही कि इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए। पानी गुजरता है और यकीन मानो, यकीन मानो छोटी सी नहर हमारे घर के सामने बहती है, उसी पानी को मुझे बताया गया कि 2000 से ज्यादा ऐसे ग्रुप गांधरबल में काम कर रहे हैं, उन्हें सहायता दी जा रही और ये भगवान के दहल में कहूंगा हमारे भी मुराद है ग्रुप बनाएंगे। मुझे लगता है कि आर्थिक तरक्की आखिरी कूल का कतरा तक बहाया पिछले 2 वर्षों में आपने कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने जो कहा हाथों में हाथ दो शेख इशफाक योग्य युवाओं को नौकरी देने का प्रयास किया था या जब किसी ने नहीं किया और जम्मू कश्मीर का भारत के महान सपूत जिन्होंने देश के सम्मान और तिरंगे के सम्मान के लिए कुर्बानी दी, उनकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करने आया था, उनको श्रद्धांजलि देना है। बार साहब आपको पता ही है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और जो उन्होंने अपनी जिंदगी आवाम के लिए सर्व की थी वो एक गरीब परवर गरीब नवाज लीडर थे, उन्होंने हमेशा कौम की खिदमत की है, तो उसी हिसाब आज देखा अपने लोग जोग दर जोग उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आए थे, तो मैं लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ और आप सबका भी आप आए और खसूसन गवर्नर साहब का, उन्होंने इतने कीमती अपने मसरूफियात में ये हमारे साथ चंद घंटे गुजारे हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई की बात है, और ख़ासकर मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज गांधरबल के लिहाज से जो 2-3 प्रोजेक्ट्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, चाहे न्यू गांधरबल पावर हाउस चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, मैं आपको वसूख से कहता हूँ यहाँ 10-12 हज़ार लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे रोज़गार मिलेगा गांधर